बात तो ठीक है लेकिन हाँ सर पे ओके ठीक हो जाएगी। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट करने वाला है सिस्ट्रोलॉजी के एक व्लॉग पर। ईद मिलाद पे उन्होंने एक व्लॉग बनाया था एंड लेट्स चेक इट आउट। सिस्ट्रोलॉजी इकरा, सबके नाम याद कर, हीरा, फातिमा, राबिया, सैनम, मुझे याद हो चुके हैं वैसे सबके नाम। पापा सबसे कूल। Assalamualaikum everyone, welcome to Sistrology. This is me, Krakova. Welcome to my another vlog. Welcome to another day. As you know के बरकतों वाला महीना है और बरकतों वाले महीने की तैयारियां भी जोरों शोर से जा रही हैं। और तैयारी से पहली चीज जो अभी मतलब व्लॉग अभी मैंने शुरू की है क्योंकि अब से तैयारी हम लोग शुरू करने लगे हैं क्योंकि कल हम लोगों ने सेलिब्रेट करना है मिलाद, ईद मिलादुलनबी जो है वो सिस्ट्रोलॉजी के घर पे जोश और खरोश से सेलिब्रेट की जाने वाली है। अभी मानो ने दरवाजा बंद किया और अभी मानो को ये 12 रबीउल अव्वल से आपको पता लग रहा होगा कि जी सामने वालों ने भेजा, उन लोगों ने ये बांटा है। और ध्यान से इसको रख दो, अभी सुने कैसे लेके जाओगी, कीड़े मकोड़े फिरते हैं। ओके 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 तो अभी मैं गिर ना जाऊँ तो अब हम लोग ने उनका इंतजार कर आएंगे। एनर्जी बहुत है। हम लोग किस तरह का डेकोर करा रहे हैं, किस तरह की जो है वो कल मिलाद है क्योंकि कुछ रिश्तेदार आएंगे, कुछ दोस्त अहबाब आएंगे, कुछ लंगर शंगर होगा, कुछ नाच ख्वानी होगी और बहुत कुछ होने वाला है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। और एक मिनट, अगर तक अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। हमारा सामान आया है ऑटो पे एंड अभी ये जो ऑटो रिक्शा है ये हमारे घर लगा है पधारने। हमने सोचा था कि हम यहाँ कराएंगे लेकिन वहाँ लगेगी लाइट। सामान आ गया है और ये जगह डिसाइड किया कि ये इसके आसपास कुछ बनेगा। चलो जी, ये प्राडो जा रही है वापस क्योंकि अंकल कह रहे हैं ये मेरा रिक्शा नहीं, इसको मैं प्राडो कहता हूँ तो ये एक अदद प्राडो है। चलें जिस टाइम आ चुके हैं पापा और लाइटें शाइटें जल रही हैं और काम हो रहा है। ये कैसा लग रहा है अभी तो मैं आपको प्रॉपर आफ्टर दिखाने वाली हूँ। सो गाइज ये हमारा यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर, नाउ यू गाइज कैन सी, एक तो मौसम इतना खूबसूरत हो गया मिलाद के मौसम में, मौसम प्यारा हो गया और यहाँ पे सारा डिकोर और ये लाइटिंग पीछे। और ये हमारी टीम थी जिन्होंने बड़ी मेहनत किया है। अंकल ने तो सही अपनी पजारी, ये अंकल की थी पजारो थी, क्या थी पराडो थी भाई। अंकल ने बहुत मेहनत की इसलिए सुकून से बैठ के देख रहे हैं इसको। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका नाइट व्यू क्या लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये नाइट व्यू में। मतलब घर प्रॉपर ऐसा लग रहा है चिरागा हो गया है हमारे घर प्रॉपर। चले जी अब हम जा रहे हैं ऊपर की ट्रेस का तो स्टोरी पता ही है हमें। और पता नहीं बहुत ज्यादा तेज बुखार हो गया मुझे लग, और कह रही है कि मुझे नजर लगी 1 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हो गए। मैं देखें अब इस वक्त फुल सोई हुई है मेरी बहन बेचारी, देखें, और टेडी के साथ, टेडी के बगैर नहीं सो रही। दिखाओ हाथ इसका, मैं बुखार चेक कर रही हूँ, फुल तप रही है इस वक्त। इस लड़की का हाथ फुल गर्म हुआ हुआ है। चलो सो जाओ ध्यान से, कल तक इसका बुखार सही हो जाए ताकि बेचारी बीमार है फिर भी इसको तंग नाते सुना सके। The next day. Good morning. So, मैं जल्दी उठ चुकी हूँ और मेरा दिन शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी बहुत 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 मुबारक हो। अब मैं उठूंगी, होंगी तैयार। सो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी भरपूर तरीके से। ये देखे मैंने अपने ऑर्नामेंट सब पहन लिए हैं, ज्वेलरी शुलरी पहन ली है, मेकअप कर लिया है। फुल ड्रेस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मेकअप तो कर लिया है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज के दिन खुशबू ना लगाऊं। आप लोग खरीदना चाहते हैं तो ऑर्डर करें। आज हम प्यारे, मेरे पैर क्यों लड़खड़ा रहे हैं बेचारे। सुबह के टाइम वैसे इसकी देखिए, सुबह में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, रात से भी जबरदस्त, इवन दो लाइटिंग जबरदस्त वाइट है ना। ईद मिलादुन्नबी मुबारक। चलो जी यहाँ देखे मेरी अम्मा फुल तैयार होके वाइट कलर के कपड़े पहन के लीमू निचोड़, वाइट कपड़े पहन के भी काम करते हैं। हाँ जी वाइट कपड़े पहन के काम करते हैं लेकिन हमारी जो एक बहन है वो आज बीमार है। आपको पता है कौन सी बहन है, राबिया है। उसको मैं कह रही हूँ उठ के तैयार हो, आकाश को बहुत बुरा लग रहा होगा, तैयार हो भी चुकी है। हाय अल्लाह, राबिया क्या हाल है। नहीं कम है पहले से, बात तो ठीक है लेकिन हाँ सर पे है। ओके ठीक हो जाएगी। अब यार मैं क्या करूं, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। ग्रीन कलर की भी बाहर आके नात भी सुनानी है तुमने। मेरा गला खराब है, ऐसे अच्छी लगी। जितना हुआ है उससे ज्यादा मुझे लग रहा है। और ये बीमार बच्ची उनको बोलो कि बस ठीक होंगी, दुआ करें फिर। हाँ तुरंत तो उनको नजर जल्दी लग जाती है, हमें बुरी भी लग गई है। सुबह से ख्याल कर रही है तो राबिया का ख्याल मैं करती। हाँ हम तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखते बिल्कुल। मेरी मर्जी का राबिया ने आई सूट पहने और मैं ये जब आती हूँ ये लड़की तैयार हो रही होती है। जब आप लोगों ने देखा है ना जब मेरा व्लॉग ऑन होता है ये लड़की तैयार हो रही होती है। और आपको मजे की बात बताऊँ की आज के मिलाद में नाते मैंने पढ़नी है और इन लोगों ने मेरे पीछे अच्छी अच्छी सी वो करनी है। क्या करना है हमने? तुम लोगों ने मेरे साथ पढ़नी है वो आवाज। फातिमा ने भी ये देखें जी हीरा भी ये ट्रैवल एक्सप्लोर क्रिएट की तरह तैयार हो गया। लग रही है। हाँ, अब हम चलते हैं नीचे हीरा तैयार हो चुके देखते हैं कि फातिमा क्या तैयार हो गई है। ओ फातिमा भी तैयार है। समझने काफी सिंपल ये छोटा निब्बा तैयार हो गया है। छोटा अच्छी लग रही है फातिमा। सबने व्हाइट पहना मुझे। और ये देखें जी यहाँ पे खाने वाला देख का भी आ चुका है। और एक पापा जी केक वाले नाना देखे आया। ये देखें जी ये थी फाइनली वो वाली लाइट्स जो हम कह रहे थे कि घर के बाहर से अच्छी लगेंगी। ये था जी आज हमारी बिरयानी नहीं आज है हमारा पुलाव। हीरा करवा रही है मैं भी करवा रही हूँ। मम्मा बस खाने में सो रहा है। और जी मैं आपको दिखा दूँ ये है हमारा केक ईद मिलाद नबी मुबारक का केक जो कि बहुत खूबसूरत है। मैं कुछ ज्यादा ही वाव बोल रहा है वैसा नहीं लग रहा क्या? डेकोरेशन देख के वाव, ड्रेसेस देख के वाव, केक देख के वाव। इसमें सिर्फ लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ तो वैसे ही ये सुना है मैंने फर्स्ट टाइम सुना। इकरा डेफिनेटली लीड कर रही है। अली जफर ने भी ये किया हुआ है तो एक बार अली जफर का वीडियो देखना। अच्छा अच्छा बहुत जबरदस्त है। उनके वॉइस में तो और भी। अच्छा जी यहाँ पे हो रहा है हमारा मिलाद और आपको काफी नाते हम लोगों ने पढ़ी। पापा जी आपने बनानी है। ये देखें यहाँ सब हमारे घर की औरतें कह रही हैं कि चाय पीनी है चाय पीनी है चाय पीनी है। यहाँ पापा गए चाय बनाने। ले जी मैं बाहर हो रहा हूँ मिलाद। बच्चे मिलाद में बिजी हैं तो मैं कहता हूँ चाय बनाऊँ तो पता नहीं मैं चाय फर्स्ट क्लास उठा के इनको करता हूँ। काफी कूल डैड है। हाँ होता है। जो बीमार है उनको सेहत अता कर मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ। एक्चुअली लाइक सबके लिए दुआ करनी है। लोगों ने तो अभी बैठ के काफी देर पढ़ा है। कुछ चंक्स आप लोगों को दिखाए हैं कुछ नाते पढ़ते हुए दिखाई हैं। बाकी जो था वो एक अपने तौर पे हम लोगों ने जो किया था वो उस टाइम मेरा कैमरा जरा ऑफ था। बट अब हम चलते हैं अंदर। सिर्फ इसका दिन नहीं अच्छा जा रहा। बेचारी बीमार बच्ची मेरी छोटी सी गोल मटोल खांसी की दुकान। जी ये देखें जी मिलाद जब खत्म हो जाता है ना तो खाने पे जो असली में टूट प्रोग्राम होता है ना वो ये होता है। यहाँ पे इस बीमार को तो देखें साथ ही ठीक हो गई है और यहाँ पे चूड़ी भरपूर तरीके से जारी हो सारी है। फाइनली मुझे मेरी प्लेट मिल गई है। क्या बोतल अट्रैक्ट कर रही है। ड्रिंक इसको अट्रैक्ट कर। ना पियो इसका गला खराब है यार। ऐसी बड़ी बहनों मत देखो। कौन सा ठीक है? अब इसमें क्या बचा जो मैं खा रही हूँ? ये थर्ड नंबर है ना? ये वर्ड तुमने सही कहा था। हाँ? ये सेकंड है। कौन है? ये हीरा। ये देखो चिल्ला पापा चाय बना के लाए हैं और ये चिल्ला जो झूठ बोल रही है। हाँ कराई है। ये देखें हीरा ने क्या 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 सीक्रेट है। चले जी अब चाय सबको सर्व करें। अब यहाँ पे देखें जी अब्बा मेरे जो है ना वो तैयार हो गए यहाँ पे खेलने के लिए और यहाँ पे खेल शेल चल रहा है। सब खेलें चल रही है। देखें जी यहाँ पे केक पार्टी हो रही है। ऐसे केक जिंदगी में इस मानों ने कभी खाया जैसे अभी लगी हुई है फुल ऑन। आजकल के बच्चे कैसे खुश होते हैं। लग रहा है ना वो पूरा ग्रीन ग्रीन ये देखें जी सब लोग चले गए और मेरी अम्मी जो है ना वो यहाँ पर कप कुप वापस कर रही है और बाहर साफ हो गया यार। ओ फला अभी मैं एकदम बैठी है मिलाद शाद का सीन देखे मुझे अपने बचपन की मेमोरीज याद आ गई। मतलब मैं मेरे ख्याल से होती होंगी कोई 7वीं 8वीं क्लास में, क्योंकि इतनी ऊंची आवाज से नाते पढ़ती थी, इतनी ऊंची आवाज से, इतना शौक था, अभी भी शौक है। इतनी नाते याद की हुई थी कि एक दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ था, किसी के घर पे मिलाद था और मैं मम्मा के साथ ऐसे गई और मुझे मम्मा ने कहा इससे सुने, इस घर में सारा दिन आ करती रहती है, इससे सुने। अब मम्मा मुझे कहे नात सुनाओ और मैं कहूँ मम्मा नहीं, चुप करें, क्यों बोल रही हैं, ना कहें। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि 4 लोगों में बैठ के आप नात सुना सको। अभी देखो सुनाती हूँ मैं, क्या सुनाती हूँ, चुप तो करो फिर सुनाना शुरू होते, फिर सब लोग बड़ी तारीफ करते, यहाँ तक कि लोगों ने इसके आगे पैसे भी रखना शुरू कर दिए। मैंने नात पढ़ी, उन्होंने मुझे ना मेरा ख्याल से उस टाइम 400 रुपीज मेरी गोदी में मुझे पड़ा, मैं घुमा के पैसे गिन रही हूँ। इतने सारे पैसे, मतलब 400 रुपया उस हिसाब से बहुत ज्यादा था। मैं पापा के पास आई बड़ी खुशी से, मैंने कहा पापा जी ये मुझे पैसे मिले नात से। तो डैडी ने मुझे बोला बेटा ये पैसे आपने लोगों पे स्पेंड करने हैं, आपने बांटने हैं और इस पैसों को अपने उसके लिए नहीं रखना, इट्स नॉट योर पॉकेट मनी, पॉकेट मनी आपको मिलती है। तो पापा वो पैसों की जो है वो कैंडीज उन्होंने मुझे बोला लेके, और फिर मैं हम लोगों ने कैंडीज लेके, फिर हम लोगों ने जैसे मोहल्ले में करते ना ले जाओ वो किया, उसे हम लोगों ने वो बांटा। तो उससे मुझे ये हुआ कि एक हौसला अफजाई होती है और मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। खैर आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश थी और आप लोगों की इतनी सारी दुआएं हैं हमारे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ। आज की अच्छी बात ये है कि जिंदगी में कभी भी आपके पास किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो आपके पास एक मुस्कुराहट तो होती ही है। अपने इखलाक से आप किसी को बहुत अच्छी एनर्जी दे सकते हो, तो गिविंग वाली जो एक खसूसियत है उसको अपनाएं, क्योंकि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी चीज़ का दर्स दिया था कि अच्छी चीज़ हर किसी को दें, और वो एक चाहे एक अच्छा इखलाक, एक अच्छा बोल, एक अच्छी दुआ, एक अच्छी स्माइल क्यों ना हो। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छा मैसेज था ये हो। तो मुझे विश्वास नहीं होता इकरा कभी शाई भी हुआ करती थी। हाँ। अभी जो एनर्जी, जो की बात अलग होती है ना, नहीं जो एनर्जी और जो कॉन्फिडेंस, ऐसा लगता है पर्सनालिटी वैसा है कि बहुत ही बबली और सबके सामने कॉन्फिडेंटली बोलने वाली। वो तो है, लेकिन बचपन में थोड़ा अलग होता है। बचपन में तू भी किसी के सामने इतना नहीं बोलता होगा। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ही शाय था। जो कपड़े पहने इन्होंने, जो ड्रेसेस पहने थे, बहुत ही सिंपल, ओवर नहीं किया था, ना मेकअप ज़्यादा किया था, एकदम बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ ट्राई किया नहीं, वैसा नहीं लग रहा था। मतलब ट्राई तो करते ही है लड़के, लेकिन सिंपल ग्रेसफुल वो तो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका पूरा लुक, ये तो है। एंड ये सेटअप बहुत ज़बरदस्त है सीरियसली, मतलब एकदम सिंपल था ज़्यादा। मतलब फूलों का काफ़ी शौक है ना उन लोगों को, स्पेशली उनकी अम्मी जो है। क्योंकि अम्मी का हमने देखा था जो हाउस टूर, मुझे ये जो ये 2nd नंबर वाली सिस्टर है, मतलब हीरा, हाँ हीरा, मुझे उसका मतलब लुक काफ़ी अच्छा लगा। हाँ मुझे भी, आई थिंक पूरा सिंपल एकदम। पापा और पापा कूल है एकदम वो तो है। तो या इकरा का भी बहुत अच्छा था। इकरा का तो ऑब्वियसली अच्छा ही था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, सिस्ट्रोलॉजी का जो ओरिजिनल लिंक है जाके सब्सक्राइब कर लेना। इनके पास ऑलमोस्ट डेली वीडियोस रिलीज करता है, तो जाके देख लेना। एंड हमें इनके कोई और वीडियो पे रिएक्ट करना चाहिए कि प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर हमारा रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, बाय।